हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और भाई टाइम दिखाता हूँ पहले आपको, तो देखो 7:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी ऑफिस से घर आया हूँ। तो बस एक ही दिन था जब मैं थोड़ा टाइमली आ गया था, अच्छा लगा था। वापस से अपना वही शुरू है। तो यार काफी थकान भी हो गई है। वैसे ठंड वगैरह तो नहीं है, मौसम अब अच्छा हो रखा है, तो आराम से बिना हीटर के भी गाड़ी चल सकती है, नहीं तो पहले तो बहुत ठंड थी भाई। तो अभी बस चाय पीते हैं और थोड़ा सुस्ताते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर उसके बाद आई का व्लॉग बनाते हैं। ये रही अपनी चाय, ईशा ने मस्त चाय बनाई है, एकदम अदरक उदरक डाल के। काफी ठंडी लग रही है और थकान भी हो रही है तो दूर करेगी, लेकिन इससे जरूरी सरप्राइज है तो मुझे भी नहीं पता था, और आज ईशा ने मस्त सरप्राइज बनाया हुआ है। तो ये है पनीर के पराठे। तो भाई चाय पीते हैं और पनीर के पराठे खाते हैं। हमारा डिनर एकदम बन के रेडी हो गया है। चावल और ये दाल, सुमित को चावल और दाल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर तीसरे चौथे दिन दाल चावल ज़रूर बनाती हूँ। सुमित को बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हमारे बाबूजी एकदम बैठे हैं रेडी डिनर के लिए, भाई भूख लग रही है बहुत तेज। थके हारे ऑफिस से आए हुए, है ना सुमित? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सुमित आप दाल चावल खाएंगे और इंजॉय करेंगे। और साथ में भाई हमेशा की तरह टीवी पे रहेगा अपना लल्लन टॉप। तो चलो अब ये खाना खाते हैं और थोड़ा अब फिर मैं भी आराम जाके करते अपनी हैं। प्लेट लेके आती हूँ, तुम स्टार्ट करो। ठीक है। और गाइस डिनर वगैरह सब हो गया है और अब मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर फीफा खेला जाए, तो अब मैं आराम से खेलता हूँ फीफा। कोशिश करते हैं आज भी एक अच्छा मैच हो खेलने की। चालू करते हैं अपना मैच। यार काफी दिन हो गया, आई थिंक 2 वीक से भी ज्यादा हो गया मुझे फीफा ना खेले हुए। भाई फ्रांस वाले कई बार, अरे यार ओ शिट, ओ भाई भाई ये तो प्लेयर अच्छा लग रहा है, एकदम सही शूट ले रहा है, बच गया पड़ा। चलो कोई नहीं भाई, अभी अपना भी टर्न आएगा। और भाई ये मारा हमने भी इक्वलाइजर, अरे पड़ गया, अब पड़ेगा गोल। भाई ये अब हो गया भाई मैच बराबर 3-3। यस, ये हमने भाई लीड ली। ले गोल। यस। तो गाइस यार ये प्लेयर मस्त है, मजा आ रहा है साथ खेलने में। अभी हाफ टाइम हुआ है तो फिलहाल तो अपने पास लीड है, अपने 5 गोल मारे उसने 4, पर अब बहुत अच्छा खेल रहा है प्लेयर भी, मजा आ रहा है साथ खेलने में, काफी स्किलफुल खेल रहा है। अब सेकंड हाफ स्टार्ट होगा तो देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। इसने 9 शॉट मारे है टारगेट पे और मैंने मारे सिर्फ 5। यस। और भाई अपनी एक और लीड। अरे यस यस भाई, सही रहा, क्या गोल मारा, अच्छी खासी लीड। तो गाइस मजा आ गया, हालांकि मैच मैं जीत गया फाइनली, लेकिन यार ये बंदा सही था खेलने में, काफी सही स्किल्स के साथ खेल रहा था। एक दो मैंने गलती की थी लेकिन फिर भी यार 6-7 का स्कोर रहा है, तो मैं बस केवल 1 गोल के मार्जिन से जीता हूँ। तो जैसे हम बचपन में मारियो नहीं खेलते थे, वैसा ही गेम है। तो मैं बहुत मजे से खेलती हूँ वाला गेम, मुझे काफी पसंद है। और तो मुझे इसमें कुछ भी पसंद नहीं आता, पर मुझे ये वाला गेम सबसे अच्छा लगता है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। मैंने ये गेम ना कितनी बार खेल चुकी हूँ, और हमेशा इसमें पता नहीं एक लास्ट स्टेज है जो कि अब तक मुझसे हुई नहीं है पूरे गेम में। तो भाई ये देखो ईशा एकदम फुल फोकस के साथ खेलते हुए हैं। ईशा, ये ईशा का हाँ, गेम। तो इसमें सिर्फ मेरा ये एक ही गेम है जो मैं खेलती हूँ। तो भाई आज आते हैं बचपन के स्पेशल, ये गेम मैंने डाउनलोड करवाया था सुमित से। और आप देख रहे हो भाई कंसंट्रेशन, एक बार भी कैमरा नहीं देख रही, लगातार यहीं पर ईशा की आंखें हैं इस गेम के ऊपर ही। बस इसमें एक लास्ट स्टेज रह रखी है, वो नहीं हो पाती मुझसे। ये एकदम क्या हाथ चल रहे हैं ईशा के हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे चलते हैं वैसे मेरे चल रहे हैं। वाह, एक और लेवल क्लियर। एक उसमें बचपन में हम वो भी खेलते थे, अलादीन का कुछ ऐसे से टाइप के गेम। मुझे ना इसी तरह के गेम पसंद है, ऐसे फीफा फाफा पसंद नहीं है। तो सुमित खेलते हैं। भाई फीफा की तो बात ही अलग है, मैं तो दबा के फीफा खेलता हूँ, मजा आता है खेलने हाँ, में। मैं ये खेलती और हूँ। ईशा जो है ये खेलती है। भाई देखो फुल कंसंट्रेशन के साथ गेम खेला जा रहा है एकदम मस्त। तो गाइज मैं और ईशा पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार गेम खेल रहे हैं, फीफा खेला, फिर ईशा का वो क्रॉक वर्ल्ड गेम खेला, और भाई अब काफी थक गए हैं।
तो ऑलरेडी टाइम भी अब 12:15 बज रहा है, काफी लेट हो गया है। तो कल सुबह ऑफिस का भी काम करना है, तो जल्दी भी उठना है। तो इसलिए आज के श्लॉक को यहीं एंड करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और आपसे मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।